अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच क्लास टेंथ की दरख्शां उर्दू पढ़ाना आया हूं। और आज से मैं क्लास टेंथ की मुकम्मल तैयारी इस चैनल पर कराऊंगा। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर हम्द पढ़ने वाले हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और हम्द को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जान लें कि हम्द किसे कहते हैं। हम्द किसे कहते हैं? हम्द जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ की जाए उसको हम्द कहते हैं। तमाम बच्चे कॉपी और पेन निकाल लें और इसको नोट करें। हम्द किसे कहते हैं जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ़ की जाए उसको हम्द कहते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि नात किसे कहते हैं, ये भी है। इसी में हम्द के नीचे ही लिखा हुआ है कि नात किसे कहते हैं, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। नात किसे कहते हैं? नात उसको कहते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए उसे क्या कहते हैं? नात कहते हैं। तारीफ की जाए उसे नात कहते हैं। तीसरी चीज़ है मुनक़िबत। मुनक़िबत किसे कहते हैं? तो मुनक़िबत कहते हैं जिसमें बुज़ुर्गान दीन औलियाउल्लाह खुलफाए राशिदीन की तारीफ की जाए उसको मुनक़िबत कहते हैं। तो लिखिए इसको मुनक़िबत। मुनक़िबत कहते हैं जिसमें बुज़ुर्गान दीन औलियाउल्लाह खुलफाए राशिदीन की तारीफ़ की जाए इसको क्या कहते हैं? मुनक़िबत। और चौथी चीज़ क्या है? कसीदा। कसीदा किसे कहते हैं? कसीदा उसको कहते हैं जिसमें बादशाहों की, नवाबों की, रईसों की तारीफ़ की जाए। पहले ज़माने में हुआ यूँ करता था कि बड़े बड़े बादशाह कभी गांव में आया करते थे, या तो उनकी तारीफ़ की, या वो ख़ुद बुलाया करते थे बादशाह की, सुनने की ख्वाहिश होती थी। तो बादशाह की तारीफ़ जब लोग करते थे तो बादशाह जो है दे दिया करते थे सोना उठा करके, चांदी उठा करके, जो उनके पास हुआ करता था अपनी तारीफ़ सुन करके। तो उसी को कसीदा कहते हैं जिसमें बादशाहों, लिखिए सब कापी पर, बादशाहों, रईसों या नवाबों की तारीफ़ की जाए, या नवाबों की तारीफ़ की जाए उसी को कहते हैं कसीदा। ये जहन में आप लोग रखिएगा। और इसके बाद हम जो है हम्द को जो लिखने वाले हैं इसको भी हम जान लेते हैं। हम्द को ये जो हम्द आपके निसाब में शामिल है, ये कौन सी हम्द है? हम्द का नाम है हम्द खुदाए अज़्ज़ो जल। जिसके लिखने वाले कौन हैं? शबनम कमाली। अब हम चलते हैं, जो शबनम कमाली इसको लिखने वाले हैं उसके मुताबिक पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे। इसको मिटाता हूं मैं। चलिए, हम्द को लिखने वाले कौन हैं? शबनम कमाली। और शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम है मुस्तफ़ा रज़ा।
असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा ये असल नाम है। मुस्तफ़ा रज़ा क्या है? असल नाम है। और यहाँ तखल्लुस क्या लगाते हैं? ये तखल्लुस शबनम कमाली क्या लगाते हैं? तखल्लुस ये लगाते हैं शबनम। क्या लगाते हैं? शबनम। अब एक बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि तखल्लुस किसे कहते हैं। हाँ बताइए जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में बताइए कि तखल्लुस किसे कहते हैं। तो तखल्लुस उसको कहते हैं जिसमें शायर जो है गज़लों या नज़मों में अपना एक छोटा सा नाम रख लेते हैं, उसी को तखल्लुस कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे आप कॉपी पे लिख लीजिए, शायर गज़लों या नज़मों में अपना छोटा सा नाम रख लेते हैं, लिखते हैं, उसे तखल्लुस कहते हैं। समझ रहे हैं? उसे क्या कहते हैं? तखल्लुस। मिसाल के तौर पे मैं दे रहा हूँ, असदुल्ला खां गालिब है, या अपने नाम के आखिर में गालिब अक्सर लगाया करते हैं। इसी तरीके से शेख इब्राहिम है जो ज़ौक लगाया करते हैं, उनका एक शेर है, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो। लिखिए उनका शेर क्या है मालूम है? नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए यार, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, यारों से कह दो, कह दो कि आती है उर्दू ज़बाँ आते आते, के आती है उर्दू ज़बाँ आते आते, आते आते। यह है नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बाँ आते आते। यहाँ जो दाग है दाग, तो यही कह रहे हैं कि दाग जो है छोटा एक नाम रख लिए हैं शेख इब्राहिम, तो इसी को क्या कहे उन्होंने कि ये तखल्लुस है। उसी तरीके से शबनम कमाली भी अपने शेर के आखिर में, गज़ल के आखिर में या नज़म के आखिर में अपना नाम तखल्लुस क्या लिखते हैं? शबनम लिखते हैं। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। इनकी पैदाइश कब हुई? इनकी पैदाइश कब हुई और कहाँ हुई हम इसको जानते हैं। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेरा गांव में हुई। कहाँ हुई? पोखरेरा गांव में हुई। पोखरेरा गांव में हुई, जो अभी कहाँ मौजूद है? ज़िला सीतामढ़ी में है, और इनका ताल्लुक़ रियासत बिहार से। लिखिए जो अभी कहाँ है? ज़िला सीतामढ़ी में है, सीतामढ़ी में है, ज़िला सीतामढ़ी में, और रियासत बिहार है, जहन में रखिएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। शबनम कमाली बहुत सारी किताबें लिखे हैं, तो उनमें उनके शेरी मजमुओं का नाम हम जान लेते हैं कि शबनम कमाली के शेरी मजमुओं का नाम क्या है। उनके शेरी मजमुओं का नाम क्या है? शेरी मजमुओं का नाम क्या है? तो इसको जान लीजिए, रियाज़े अकीदत नोट डाउन कीजिए, कापी पर लिखिए सब, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है ये, रियाज़े अकीदत, फिरदौसे अकीदत, सहबाए अकीदत, सहबाए अकीदत, और इसी तरीके से जो है बहुत सारी उन्होंने किताबें लिखी है। ये तीन को कापी में ज़रूर लिख लीजिए। इसके बाद आप उनको जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने शबनम कमाली जो अपनी ज़िंदगी का अक्सर व बेशतर हिस्सा वाज़ो तबलीग और इस्लामी और मज़हबी इख्तदार के लिए जो है वक्फ कर दिया है, उसको बताने में, तलकीन करने में वक्फ कर दिया है। अब हम आखिरी चीज़ जानते हैं कि उनकी वफ़ात कब हुई।
उनकी वफात, वफात मींस वफात माने मरना, इंतकाल करना। उसका इंतकाल कब हुआ? तो उसका इंतकाल जो है 19 अगस्त 2004 को हुआ। कब हुआ? 19 अगस्त 2004 को हुआ। 2004 को हुआ। ये था हमद जो लिखे हैं शबनम कमाली हमद खुदा अज़्ज़ वजल, उनके मुतालिक ये पूरा बायोडाटा था। आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम इनका जो पहला मिसरा है उसको बोर्ड पे दिखाएंगे आपको, और उसके बाद जो है हम आपको इसका कुछ एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे। तो आप बोर्ड पे गौर से देखिएगा, बोर्ड पे दिया हुआ आप देख रहे होंगे, बोर्ड पर आप देख रहे होंगे कि दे रहा है, बोर्ड पे आपको मौजूद मिलेगा ये। खालिक़े दो जहां है तू, इज़्ज़त जुल जलाल है, यकता है तेरी ज़ात, पाक आली व बेमिसाल है। वो कहना चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो दोनों जहां के पैदा करने वाली है, और उसकी ज़ात बड़ी मर्तबे वाली है, अजमत वाली है। वो अकेला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अकेला है, आली है और बेमिसाल है। बस ये जहन में रखे, क्योंकि अक्सर बेशतर यही पूछा ही जाता है कि पहले शेर की तशरीह कीजिए, इसकी तशरीह कीजिए, जहन में रखिएगा। अब हम जो इम्पोर्टेंट है उसको कर लेते हैं। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे आपको मैं लिखा रहा हूँ उनका जो ये सवाल और जवाब है, सवाल और जवाब है इसका। इसमें मुख्तसर तरीन सवालात दिया हुआ है, तमाम बच्चे इसको हल करें, तमाम बच्चे इसको ज़रूर हल करें। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहला मुख्तसर तरीन सवालात में दिया हुआ है, शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो शबनम कमाली कब पैदा हुए, सबसे पहले आप जान लें कि शबनम कमाली कब पैदा हुए। हमने बताया आपको कि 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो शबनम कमाली पुखरेरा गांव में पैदा हुए, जो कि ज़िला सीतामढ़ी में है और रियासत बिहार में है। उसके बाद है शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? तो शबनम कमाली का इंतकाल 19 अगस्त 2004 को हुआ। और चौथा सवाल है, कायनात की तख्लीक किसने की है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की है। अब इसके बाद है कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो इसका जवाब है कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हल करते हैं, अल्लाह ताला अल्लाह पाक हल करते हैं। इसके बाद है शबनम कमाली का असल नाम बताइए? तो शबनम कमाली का असल नाम जो है मुस्तफ़ा रज़ा है। अब मुख्तसर सवालात है जो कि थोड़े लॉन्ग लॉन्ग है। हमद किसे कहते हैं, इसको क्या करना है? 5 जुमलों में हमें लिखना है। हमद किसे कहते हैं, 5 जुमलों में हमें क्या करना है? लिखना है। तो 5 जुमले में कैसे लिखिएगा मैं बता दे रहा हूँ आपको। लिखना शुरू कीजिएगा कि हमद नज़म की वो किस्म है जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ़ की जाती है, हम लाख कोशिश भी करें तो भी अल्लाह पाक की वो तारीफ़ बयान नहीं कर सकते जिसका अल्लाह पाक हकदार है। फिर भी इंसान अपनी हकीकत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक जो है अल्लाह पाक की तारीफ़ करता है, और जब वो तारीफ़ को नज़म की सूरत में पेश करता है तो ये हमद बन जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, हमद कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, इसके बाद साहिब किताब ने अगला सवाल को नोट किया है कि हमद मुनक़िबत और कसीदे में क्या फ़र्क है? हमद मुनक़िबत और हमद में फ़र्क यह है कि हमद में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है, मुनक़िबत में औलियाउल्लाह बुज़ुर्गान दीन खुलफ़ाए राशिदीन की तारीफ़ की जाती है, और कसीदे में बादशाहों की, नवाबों की, रईसों की तारीफ़ की जाती है। इसके बाद कहा गया है कि हमद और नात में क्या फ़र्क है? तो हमद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ की जाती है, अल्लाह पाक की तारीफ़ की जाती है, और नात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम।